क्लास 9th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट्स मैथ्स टॉपिक हीरोन्स फार्मूला एक्सरसाइज 12.2 पार्ट सेकंड फोर्थ क्वेश्चन। ए ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस, दोनों सेम बेस पर हैं एंड द सेम एरिया। द साइड ऑफ द ट्रायंगल आर, ट्रायंगल की जो साइड है 26, 28, 30। द पैरेललोग्राम साइड्स ऑन स्टैंड, बेस 28 है तो बेस तो 28 है तो ट्रायंगल और पैरेललोग्राम एक ही उस पर है। ए आपका एक पैरेललोग्राम बन गया, और ये ट्रायंगल बन गया, दोनों का बेस सेम है, इन दोनों का बेस सेम है। हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम की हाइट फाइंड करनी है। ये सबसे पहले हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी ए इज इक्वल टू 28, बी इज इक्वल टू 30, सी 26, एस निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, 28 प्लस 30 प्लस 26 अपॉन टू, ये बना अपना 84 अपॉन टू, 42 सेंटीमीटर आपका एस आ गया। अब हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एस की वैल्यू 42, 42 माइनस ए 42 माइनस बी 42 माइनस सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 42 14 12 और 16, फोर्टी टू के ब्रैक कर देंगे, 3 × 14 एक 14 पहले से ही है, 12 के ब्रैक कर देंगे 3 × 4 और 16 के ब्रैक 4 × 4। देखो सब कॉमन आ रहा है, ये 3 ये 3, एक 3 आ गया, एक 14 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, सब चीज़ आ रही है। 42 × 8 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया एबीसी। एबीसी का एरिया 336। वो कह रहा है सेम बेस, हाइट फाइंड करनी, तो एरिया सेम है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, दोनों बराबर है। पैरेललोग्राम का होता है बेस इनटू हाइट, और ट्रायंगल का एरिया हमने निकाल लिया है 336, बेस 28, हाइट हमें फाइंड करनी है। 336 में 28 का डिवाइड, 12 सेंटीमीटर आंसर। इस पैरेललोग्राम की जो हाइट होगी वो 12 सेंटीमीटर होगी, इसको कर लीजिए। नेक्स्ट करते हैं फिर फिफ्थ क्वेश्चन।
क्वेश्चन फिफ्थ आएगा आप, ए रोम्बस शेप्ड फील्ड, फील्ड हैज ग्रीन ग्रास फॉर फॉर 18 काउस टू ग्रेज, इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 meter एंड इट्स लॉन्गर डायगनल्स इज 48 meter How much area of grass field will each cow be getting? एक रोम्बस शेप्ड फील्ड है, रोम्बस ऐसे बनता है, और इसमें 18 गाय चर रही हैं, ग्रेज कर रही हैं। ईच साइड ऑफ रोम्बस 30, ईच साइड इसकी 30 है, एंड लॉन्गर डायगनल्स 48, ये वाला डायगनल्स 48 है, और ये जब डायगनल इसको बाइसेक्ट करेगा तो ये 24 24, और राइट ट्रायंगल पे भी करता है, ये रोम्बस की प्रॉपर्टी है। तो कितना तो एरिया होगा और ईच काउ कितना, मतलब 18 का उसमें डिवाइड कर देंगे तो ईच काउ का आ जाएगा। We know that diagonal of rhombus bisect each other at 90 degree पर एक दूसरे को bisect करते हैं, तो ये एक right triangle बन जाएगा। इस राइट ट्रायंगल से हम ओ ए निकाल लेंगे। इन राइट ट्रायंगल ए ओ बी हाइपोटेनस स्क्वायर बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर लगाएंगे 30
30 स्क्वायर 24 स्क्वायर परपेंडिकुलर निकालना है। 900 576, ये 900 में से माइनस हो गया, थ्री ट्वेंटी फोर, और ये 18 होता है तो परपेंडिकुलर 18 आ गया। ये 18 तो ये भी 18, ए ओ इजिकल टू ओ सी होगा और वो 18 सेंटीमीटर आ गया। अब दोनों डायगोनल्स आ गए, पूरा डायगोनल से ए सी 36, तो बी डी इजिकल टू डी वन डायगोनल जो है बी डी वो तो है 48 सेंटीमीटर, और डी टू जो ए सी डायगोनल्स है वो है 36 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस का जो एरिया होता है 1/2 d1 × d2, तो 48 × 36 कर दिया, मल्टीप्लाई करा इसको, फोर एट एट, फोर एट एट आएगा, 486 सॉरी, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 486 आएगा। ये हो जाएगा एरिया ग्रेज 18 काउज, तो वन काउज का कितना होगा, एरिया ग्रेज वन काउ, तो इसमें 18 का डिवाइड कर देंगे, फोर्टी एट सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। 18 × 72 144 में जाएगा, 18 का 48। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 डन। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग
stitching 10 triangular pieces. Pieces of cloth. Of two different colors of two different colors each piece measuring 20 centimeter, 50 centimeter, and 50 centimeter. How much cloth? Of each color is required for the umbrella. ऐसे एक अम्ब्रेला बना हुआ है और ऐसे इसमें 10 है और 5 में कलर है 5 में नहीं है, ईच कलर है अलग अलग। तो पहले एक ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, तो उसके लिए हम ए लेंगे, ए की वैल्यू 20, बी की वैल्यू 50 और सी की वैल्यू अगेन 50। फिर एस निकालेंगे हम, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 20 प्लस 50 प्लस 50 अपॉन 2, 120 अपॉन 2, 60 सेंटीमीटर। एस के बाद एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल S into S minus A, S minus B, S minus C, 60, 60 minus 50, 60 minus 50, or 60 minus 20, 50, 50, 20 दिखाई दे रहे हैं आपको, 60 into 10, 10, 40। 6 को हम लिखेंगे 2 into 3 और ये 10, ये वाला 10। 40 को हम लिखेंगे 2 into 2, 4 into 10। देखो क्या कॉमन आता है, इस 210 का एक 10 भार, इस 210 का एक 10 भार
और इस दो टू का एक टू बार, और रूट में सिक्स आ गया, टू थ्री जा सिक्स, टू हंड्रेड रूट सिक्स। ये तो अभी एक इस ट्राइंगल पीस का एरिया है, और ऐसे फाइव का, टेन में से फाइव है, तो फाइव पीसेस ट्राइंगल्स एरिया, फाइव मल्टीप्लाई बाय टू हंड्रेड रूट सिक्स, तो थाउजेंड रूट सिक्स सेंटीमीटर, ये आपका एरिया आ गया। आज का यहीं तक, ओके बाय, गुड बाय, नाइस डे।